किसी सूखे पत्ते की तरह हवा में यूं ही उड़ता रहा हूं मैं, रास्ते के पत्थर की तरह हर ठोकर पे यूं ही टूटता रहा हूं मैं, तेरा सहारा लेकर पार कर जाऊंगा मैं ये तूफाने जिंदगी, बस इसी आस में आज तक अकेला ही डूबता रहा हूं मैं। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, लहर ए इश्क को मेरे किनारा मिल गया होता, अगर तुम भी मेरे दिल की जरूरत को समझ जाती, तुम मेरी हो गई होती, मैं तेरा हो गया होता। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे, मेरी तपती जुबां नैनों के अशकों से यही पूछे, कि जब धरती के ही आगोश में सागर मचलते हैं, तो बस दो बूंद की खातिर वो क्यों बादल को ही पूछे। सफर में लड़की मिल जाए तो हिम्मत और बढ़ती कभी कभी जो नैन लड़ जाए तो जुर्रत और बढ़ती है। अब मेरे दोस्तों ने कहा था कि किसी लड़की को घूर ज्यादा लगातार मत देखना और थोड़ा सा इंटरवल पे देखना और उसको इशारा मत करना, इशारा कर दोगे तो लड़कियों का भाव बढ़ जाएगा, वो तुम्हारी और फिर नहीं देखेंगी। तो मैंने लिखा है तीसरी पंक्ति में कि सफर में लड़की मिल जाए तो हिम्मत और बढ़ती है, कभी जो नैन लड़ जाए तो जुर्रत और बढ़ती है, इशारा हम अगर कर दें तो बढ़ जाते हैं भाव उनके, इशारे वो अगर कर दें तो हसरत और बढ़ती है। मैं जब भी सांस लेता हूं अब क्या होता है, बहुत बार प्यार मोहब्बत में जैसे ही ब्रेकअप होता है, लड़के जो हैं लड़की को तुरंत बेवफा बोल देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी अपने गिरेबान में लड़कों को भी झांक कर लेना देखना चाहिए। मैं जानता हूँ ये बहुत चैलेंजिंग है, जब यहाँ पे ढेर सारे लड़के मौजूद हों तो उनके सामने इस तरह की बात करना बहुत मुश्किल है, बाहर में निकलूँगा तो कुटाई भी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि हमने कोई गलती की या नहीं, हमसे कोई भूल हुई या नहीं, उसको मैं लिखा हूँ। ये भी एक मेरे फ्रेंड की ख्वाहिश है। मैं कैसे जी रहा जब से तुम्हारा साथ छूटा है, मैं तो रो भी नहीं पाता कि दिल कुछ यूं ही टूटा है, भला अपने ही प्रियतम को मैं कैसे बेवफा कह दूं, मुझे तो मेरी हसरत ने मेरे सपनों ने लूटा है। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सोशल नेटवर्किंग साइट्स का ज़माना है, तो क्या होता है कि आशिक जो है अपनी महबूबा को वहाँ भी ढूंढते हैं। अब पहले YourQuote चलता था जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे। हाँ, उड़ीसा के एक कॉलेज में मैंने पढ़ाई करी है सिनर्जी में, तो वहाँ पे लगभग 9 साल पहले YourQuote चलता था। YourQuote के बाद गूगल प्लस, ट्विटर आया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक टम्बलर या टुम्बलर कुछ होता है वो, उसके बाद सारी ये ढूंढने के बाद अगर कोई नहीं मिली अच्छी, और यहाँ पे हमने जो हाँ YourQuote मिल गया, YourQuote तो वो कैसे अपनी महबूबा को बताना चाहेगा कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा है। तुम्हें YourQuote पे गूगल प्लस, तुम्हें ट्विटर पे ढूंढा है, तुम्हें फेसबुक पे इंस्टाग्राम,
और टम्बलर पे ढूंढा है तुम्हें, अब योर कोट पर देख बस इतना बताना है तुम्हें, हमने सनम इस दिल के लव मीटर पे ढूंढा। और योर कोट एडमिन से एक गुजारिश करूंगा कि मुझे तो 5 साल पहले जबरदस्ती दे दी गई थी। तो गुजारिश ये है कि लड़कियों का प्रोफाइल पिक्चर जो है ना, थोड़ा जूम करने का फैसिलिटी देना चाहिए। अभी कुछ समय पहले अभी कुछ दिन पहले मतलब 3-4 साल पहले से कुछ संतों बाबाओं के गिरफ्तार होने की खबरें आ रही थी। हाँ, तो अपने एक दोहा सुना होगा, कुछ पंक्तियाँ चाहे किसी फिल्म के गाने की हैं या किसी और की लिखी हुई, कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आए। इसका उपयोग करके 2 पंक्ति अंतिम में घुसा के मैंने हाँ तो मैंने लिखा है, जब बाबा लोग गिरफ्तार हो रहे थे, एक आशिक किस नजरिए से देखता है आप जरा इसको। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, आशिक प्यासा भटकेगा सन्यासी भोग लगाएगा। और दूसरा, अभी इधर जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार टूटी, उसके ही 2 दिन बाद योग दिवस था, इसको आशिक कैसे देखता है, बस इसी दोहे में आपको बताता हूँ। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, महबूबा का भोग छोड़कर आशिक योग सिखाएगा। अभी अमनदीप जी ने और श्वेता भट्ट जी ने और भी मरियम, बहुत से लोगों ने गधे बकरियों की बात कही। अब आजकल इंसान को अगर दिक्कत होती है तो वो खुदा से शायरी लिख के बहुत तरह से फरियाद करता है, जानवर किस तरह से फरियाद करेंगे और क्या करते हैं। गधे बकरियां कहें खुदा से क्या मेरा इंसाफ करोगे, या तुम भी मुल्लों के फतवों से डर कर चुपचाप रहोगे। धन्यवाद।